नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज एक बड़ी बात जो सामने देखने को मिली उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और इन सवालों के साथ में चिंता अब सामने ये आने लगी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस देश में लोकतंत्र कहाँ है। चुनाव के वक्त में एक सीधे सीधे तरीका हुआ करता है कि कैसे जो भी जिस पार्टी को जो चंदा देना चाहता है वो दे सकता है, ये उसकी आजादी होती है। इस देश में पार्टी को चंदा देने का काम आज से नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन इसके लिए दबाव की राजनीति इस कदर बना दी जाए कि कोई डर के किसी को जाकर चंदा दे आए, तो यानी कि यहां पर सीधे सीधे राजनीति में एक बड़े स्तर की गुंडागर्दी हो रही है और इसी को इशारा किया है आज कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, दरअसल उसमें जो भी तथ्य सामने आए वो तथ्य कांग्रेस के नहीं बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थे। ये तथ्य ये कहते हैं कि भाई जो भी ईडी की रेड होती है, जहां भी रेड होती है, रेड होने के बाद जितने वो लोग हैं जिन पर रेड होती है, पता लगता है कि कुछ वक्त में ये सब लोग वहां पर बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। 377 करोड़ का चंदा इसी तरह से बीजेपी ने इकट्ठा किया है, ऐसा आरोप वहां पर लगाया गया है। चुनाव के दौरान चंदा देने की रवायत, जैसे मैंने कहा, कि पुरानी है, लेकिन ये जो सवाल खड़े हुए हैं जिसको राहुल गांधी ने भी उठाया है और साथ में ये कहा है कि भाई किस तरह से ये चीजें हो रही है। राहुल गांधी के ऊपर भी एक यहां पर स्थिति आकर के खड़ी हो गई है क्योंकि कांग्रेस के खाते को जैसे सील किया गया, उनके खातों पर जो नजर रखी गई उसके बाद राहुल गांधी की भी चिंता बढ़ गई है। उनको लग रहा है कि यहां पर अब कांग्रेस के खाते तो सील हो रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के खातों में इतना करोड़ों रुपया जा रहा है, तो कांग्रेस ने ये सच सामने लाकर रख दिया कि जो हमारे खाते सील हो रहे हैं तो हम नजर रखें कि बीजेपी के खातों में क्या हो रहा है, बीजेपी के खाते कौन भर रहा है, कौन है वो लोग जो बीजेपी को लगातार चंदा दे रहे हैं। अगर भाई बीजेपी को चंदा मिल रहा है तो ये किसके दबाव और डर से हो रहा है। ईडी को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि भाई ईडी के अधिकारी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हो जाती है। तोड़फोड़ का मतलब राजनीतिक तोड़फोड़ है। यहां पर अभी तक सिर्फ इतनी चर्चा हो रही थी कि कैसे नेताओं पर दबाव बनाकर ईडी बहुत कुछ राजनीतिक समीकरण बदल रही है, लेकिन अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें ना सिर्फ इतना है बल्कि ईडी के छापे पड़ने के बाद में बीजेपी को करोड़ों का फंड मिल रहा है, ये तस्वीर सामने निकल के आ रही है। ये कुछ के बदले कुछ लेन देन वाली जो एक पूरी स्थिति है ये सामने ला करके रख दी है कांग्रेस ने, गंभीर आरोप लगाते हुए कि यहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी का साथ देना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि पहले करते रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को भी फंड मिलता था, अब बीजेपी की सरकार है तो क्या कांग्रेस को फंड नहीं मिलेगा? लेकिन जो लोग कांग्रेस को फंड देना चाहते हैं 2024 के इस चुनाव में, जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, उनके यहीं पर ईडी के छापे पड़ते हैं। छापे पड़ने के बाद में वो लोग का यू टर्न हो जाता है कांग्रेस से और वो चले जाते हैं, रुख करते हैं बीजेपी का, पैसा वहां जाता है। ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जो इस वक्त बीजेपी को दिल से चंदा ना देना चाहते हों लेकिन डर से जरूर दे रहे हैं। स्थिति यहां आकर खड़ी हो गई है, स्थितियां ये कह रही हैं कि कैसे इस वक्त लोकतांत्रिक देश में ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कांग्रेस के आरोप हैं उस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से ईडी काम कर रही है इस तरह से एक वक्त में सीबीआई भी काम करती थी और वो दौर अलग था, वो दौर था यूपीए सरकार का, तब सीबीआई काम करती थी इसी तरह, लेकिन इस स्तर पर जाकर नहीं करती थी, थोड़ा कंट्रोल्ड होता था। सीबीआई को तोता कहा जाता था, सरकारी तोता कहा जाता था, अब ईडी जो है वो उससे और कई गुना आगे चली गई है। ये कहा जाता है कि जो जिसको पैदा करता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है एक वक्त में, इस तरह की अलग अलग तरह की कहावतों के तौर पर बातें सामने आती हैं। जैसे कि यहां पर
एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार ने करना शुरू किया, भले ही वो प्रीवियस सरकार ने किया हो, पिछली सरकारों ने किया हो, लेकिन आज यहाँ पर मौजूदा सरकार उससे कई गुना ज़्यादा तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है। और सबसे पहले वो उसी पिछली सरकार में रही पार्टी के पर काट रही है, तो इससे एक बड़ी परेशानी ज़रूर सामने आ चुकी है और सच आ गया है कि कैसे एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारें इस तरह से करती रहेंगी तो इस देश में लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। कोई भी सरकार में आए पार्टी, लेकिन एजेंसी को हाथ लगाने की हिम्मत या ये कहें कि उसका गलत इस्तेमाल करने की ताकत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट इस पर एक ऐसी स्ट्रांग कॉल ले सकता है, ऐसा कदम उठा सकता है, इस तरह का फैसला ले सकता है कि वो ये बता दे कि तमाम एजेंसियां इस देश के लिए हैं, इस देश में चोरों को पकड़ने के लिए हैं, ना कि चोरों का साथ देने के लिए हैं, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वो अभी मौजूदा सरकार हो। लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारों द्वारा इस तरह से राजनीति के लिए किया जाए, यह देश के लिए जहर है। आपको मैं वो पूरे तथ्य दिखाती हूं जो कि कांग्रेस ने आज कही है। याद रखिए, ये जो जानकारी अभी आपको दिखाई जा रही है आगे, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने सामने रखी और बताई है। कांग्रेस अगर इस बात को सामने बता रही है तो हमें इस बात की एक रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि एक विपक्ष के तौर पर पार्टी कोई सच सामने लाकर रखती है, चाहे वो किसी की मीडिया रिपोर्ट का हो, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे सुनना जरूर चाहिए, समझना जरूर चाहिए। आप देखिए कि कांग्रेस ने किस तरह से क्या बात कही है और क्या है इस मीडिया रिपोर्ट में। वो ऐसी प्रक्रिया बनाई कि सिर्फ और सिर्फ इनके गिने चुने मित्र बोली लगा सकें। नाम तो था कि साहब ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन के नाम पे ऐसा व्यू रचना रची गई कि सिर्फ इनके काबिल दोस्त उन खदानों को ले पाए। क्या किया मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि कोयला खदान जो एंड यूजर है वो लेते थे। एंड यूजर कौन? सीमेंट, स्टील, पावर, जो बिजली बनाते हैं। सरकार ने आकर कहा कि नहीं साहब, एंड यूजर्स की अलग अलग श्रेणी बना देते हैं। तो अगर विनीत जी पावर सेक्टर में हैं तो ये सिर्फ पावर सेक्टर के लिए यही बोली लगाएंगे, ये खदान में मैं सीमेंट वाला नहीं लगा सकता उसमें। और अगर मैं सीमेंट का काम करता हूं तो ये खदान में सिर्फ सीमेंट वाले बोली लगाएंगे, पावर वाला नहीं लगा सकता। और बड़ी वाहवाही लूटी इन्होंने, साहब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी पारदर्शी स्कीम ले आए, ऐसा ऑक्शन की बोली लगेगी कि इसमें कहीं कुछ घपला हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, जो ऑक्शन हुई उसमें से 11 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें औने पौने दाम पर कार्टेलाइजेशन होकर उस पर बोली लगी और वो चले गए। उसमें क्या हुआ नुकसान, उसमें सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होना चाहिए था जो यूपीए के वक्त होता था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। और इन 11 ब्लॉक्स के विषय में सीएजी ने लिखा, सीएजी की रिपोर्ट्स एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सीएजी की जहां बिल्डिंग है ना, वहां एक संग्रहालय होना चाहिए, क्योंकि अब वो रिपोर्ट्स सिर्फ संग्रहालय में ही रहती हैं, संसद में नहीं आती और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो सीएजी नाम का संग्रहालय है, द म्यूजियम ऑफ सीएजी, वहां से ये रिपोर्ट आई कि 11 ब्लॉक्स में शेल कंपनीज बनाकर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गलत हुआ। बात यहीं नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है कि इससे भी पहले, सीएजी रिपोर्ट तो बाद में आई, इसी पार्टी के दो सांसद, एक श्री आर के सिंह और दूसरे श्री राजीव चंद्रशेखर, पत्र लिखकर, ये पत्र रहा, आगाह करते हैं सरकार को कि साहब ये जो नीति है एंड यूजर का, जो आपने श्रेणी बना दी कि इस श्रेणी के लोग इस ब्लॉक
पे बोली लगा पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा, इससे घपले होंगे, इससे घोटाले होंगे। ये वो चिट्ठियां हैं जो विनीत जी आपको देंगे। उस वक्त के मंत्रियों को भी लिखी, प्रधानमंत्री को भी इन्होंने एक मार्क की ये चिट्ठी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों मंत्री बन गए, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई और चुप हो गए। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार दो तरह से होता है। एक, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें कोयला दूंगा। दो तरीके से होता है, तुम चुप रहो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, नंबर वन। नंबर टू, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें कोयले की खदान दूंगा। ये हुआ है पिछले 10 साल में कोयले के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देखरेख में, उन्हीं के द्वारा। जब सीएजी ने 11 ब्लॉक्स की धांधली के बारे में बताया और ये कहा कि सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, पीयूष गोयल जी ने संसद में 4 ब्लॉक्स के बारे में स्वीकारा कि हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ हुई, 11 पे कुछ नहीं बोले, चुप रहे। नीतियों में फिर परिवर्तन ली, 2015 में जो नीति आई, 2020-21 में आते आते फिर उसमें परिवर्तन, बोले साहब ये जो है श्रेणी बनाकर जो किया ये गलत हो रहा है। हर बार वाहवाही बटोरेंगे, हर बार चंदा बटोरेंगे, और फिर बाद में चुपचाप से नीति बदल देंगे कि साहब हमने शायद गलत कर दिया, और पर्दा डला रहेगा क्योंकि सीएजी संग्रहालय से कुछ आता है तो आप लोगों तक नहीं पहुंचता, और आप लोगों तक पहुंचता है तो हम लोगों तक नहीं पहुंचता, और हम लोगों तक पहुंचता है तो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता। तो यह स्थिति आज इस देश की हो रही है। दो शौक हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, हवाई यात्रा करना और हवाई बातें करना। तो जिस व्यक्ति, जो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में हमने इनकी कई चित्र देखे हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के दौरान, उसके बाद तो अपने दो अच्छे विमान आ गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उससे पहले तक का तो बता सकते हैं। उस दोस्त को आपने एयरपोर्ट्स दिए, कोयले की खदानें दी। ना केवल कोयले की खदानें दी, इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू यह है कि अगर कोयले की खदान एक सरकारी कंपनी को मिलती है तो उसका जो एमडीओ होता है, जो उस पर माइनिंग का काम करेगा, वो भी यही दोस्त। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। मुकेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जब गठबंधन की बात हो रही है और गठबंधन में अब कांग्रेस ने एक के बाद एक अपनी पार्टियों के साथ में अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है, सीट शेयरिंग जो लंबी पेंडिंग चल रही थी वो भी हो गई है, तो यहाँ पर सिर्फ गठबंधन का इस तरह से मिलकर के सीट शेयरिंग पर सहमति जता करके चुनाव लड़ने से क्या वो उतनी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे पाएगी? क्या उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है इतने टोटल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, मतलब हम लोगों का कभी भी पेट नहीं भरता है। पहले जब गठबंधन नहीं हो पा रहा था तो हमारे सवाल ये होते थे कि गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है, गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा। अब गठबंधन हो रहा है लगभग, और वो काफी हद तक हो गया, तो अब हमारा ये सवाल होगा कि ये मजबूत है कि नहीं है। तो ये डे फर्स्ट से हमारे लिए साफ है कि जब ये बिखरे हुए अगर दल होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वो मुकाबला नहीं दे सकते, क्योंकि आज की भी और पुरानी भी सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिला था, और विपक्ष की ये प्रमाइस थी कि अगर 37% वोट लेकर बीजेपी 303 सीटें ले रही है और 63% वोट उसके खिलाफ होने के बावजूद उसके उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो बिखराव है उसमें भाजपा की जीत का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, और ये उसको मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा कि वो अपने वोट तो एकजुट रखती है, लेकिन दूसरे के बिखार देने में और उनको
अलग अलग बांट देने में बीजेपी की महारत है, और अभी भी वो छोटे छोटे जो माइक्रो मैनेजमेंट हैं बीजेपी के वो करेगी। अगर बीजेपी, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के वोट एकजुट होंगे तो उसको काउंटर करने के लिए जरूर उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर अगर आपको ओबीसी के उम्मीदवार खड़े दिखाई दे तो कोई आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर आ गई हैं 17 और 63 सीटों को लेकर, तो जाहिर सी बात यह है कि अब उनके मतदाताओं के बीच के जो संदेह थे कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है या कांग्रेस को देना है, वो खत्म हो चुके हैं। बीएसपी लगभग वॉकओवर देने की स्थिति में है, बीएसपी उत्तर प्रदेश में कहीं दिख नहीं रही है, और उसका स्थान चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लेती जा रही है, उसके साथ अखिलेश की पार्टी का गठबंधन होने वाला है। तो ऐसे में जो भाजपा विरोधी वोट है वो एकजुट है, और उसको तोड़ने के लिए जरूर ओवैसी की पार्टी का सहारा लिया जाएगा, छोटे छोटे दलों को प्रॉपअप किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी कांग्रेस का असर उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई देगा। अगर आप सीटों को देख लीजिए तो जो 17 सीटें भले ही कांग्रेस की हैं, वो 17 में से मैंने देखा 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का फैसला 50% से ऊपर विनर को गया था। जो विनर के वोट थे वो 55% 60% थे, और सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें अमेठी, सीतापुर और बुलंदशहर या एक दो सीट और हैं जहां पर मछलीपुर शहर यहां पर थिन मार्जिन था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 48 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की, 80 में 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन के वोट अगर मिल जाएं तो अगर बीजेपी को सरपास नहीं करेंगे तो मुकाबला तो जरूर देंगे, और अगर एक बार मुकाबले में दोनों आते हैं तब एज भी बनना शुरू हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलर्ट होने की जरूरत है, उसके लिए वास्तव में ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा दांव उत्तर प्रदेश से है, और वहां से अगर उसकी नैया में छेद होने लग गया है तो बीजेपी को अलर्ट होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपके, और दूसरा आपको बता दूं कि आज की डेट में अब इंडिया गठबंधन की 141 सीटों पर फैसला हो चुका है, जिसमें पंजाब की 13, दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 80, और बीजेपी तो अपनी 100 सीटों की पहली लिस्ट लाने वाली, अभी तक लेके नहीं आई है, तो ऐसा तो गुजरात और गुजरात मध्य प्रदेश इनकी सीटें, ये सब टोटल मिला के 141 सीटों का हो गया है अब जो, और ये सबसे डिफिकल्ट सीटें थी जहां पर गठबंधन हुआ है, जहां बचा है वो बहुत आसान सीटें हैं जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ये 4 स्टेट की जो सीटें हैं 152 सीटें वहां से आती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई ऐसा रास्ते में अड़चन आने वाली है। केरल और पंजाब में इन दोनों ने गठबंधन ना करके बहुत अच्छा किया है। पंजाब में अगर कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी से होता तो जो नॉन एंटिटी पार्टी हैं बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल वो मुख्य विपक्षी दल बन जाते, अब जबकि नहीं है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला होगा, और दोनों में से कोई जीते वो दोनों इंडिया गठबंधन के ही होंगे। केरल में अगर 20 सीटें हैं और वहां वामपंथी दल और कांग्रेस आमने सामने हैं, दोनों में से कोई जीते वो इंडिया गठबंधन के ही तो होंगे। तो ऐसे में अगर वाम दलों के साथ केरल में और पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर ना करके अच्छा हुआ, गठबंधन ना होना अच्छा है। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर ना हो तब भी अच्छा है, 1-2 सीटों पर हो जाए ताकि ममता बनर्जी मंच शेयर करने के लिए आ सके, और वो होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि मेघालय में 84 सीट ममता बनर्जी टीएमसी के लिए मांग रही है और वहां पर कांग्रेस का सहयोग बहुत जरूरी है। इसी तरह से शिलांग में कांग्रेस जो सीट मांग रही है उसके लिए टीएमसी का सहयोग बहुत जरूरी है, और असम में टीएमसी 2 सीटों पर दावा कर रही है, वहां 1 सीट छोड़ देगी,
तो इनका हो जाएगा। तो एक तरह से मुझे लगता है कि 4 या 5 सीटें का जो क्विड प्रो क्यो होगा टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, वो पश्चिम बंगाल के गठबंधन का रास्ता साफ कर देगा और ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के मंच पर उतनी मजबूती से खड़ी दिखाई देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी की लिस्ट भले ही सामने नहीं आई है और यहाँ पर ये सारी क्लैरिटी कि किस तरह से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है गठबंधन की तरफ से, आपको नहीं लगता है कि ये भी आप, ये आखिरी सवाल, कि ये भी पता लगे कि जब बीजेपी की लिस्ट निकल के आएगी, क्योंकि उसके पास भी कई सारी सीटें पहले से यहाँ पे क्लियर हो चुकी है ना, और आपको ये तो पता ही है कि किस तरह से बीजेपी अपनी पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ लोगों का नाम यहाँ पर अनाउंस करती है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हमारे कैंडिडेट पर मत जाइएगा, कमल प्रत्याशी देखिए और नरेंद्र मोदी को देखिए। अब ये बात उनको अपने कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने समझा दी है, लेकिन यही बात उनको मतदाताओं से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप दंगल में उतरेंगे तो आप मतदाताओं की आंख पर पट्टी नहीं बांध सकते। ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ कमल का निशान देखिए या मोदी का चेहरा हर उम्मीदवार में देखिए। मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी को अगर बहुत ज्यादा घमंड नहीं हो गया है तो उसको अपने कैंडिडेट को ठीक सिलेक्शन करना होगा, सिर्फ ये देखना नहीं होगा कि मोदी के नाम पर कोई भी जीत जाएगा। और मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का जिस तरह से सीट शेयरिंग हुआ है तो बीजेपी का थोड़ा सा जो नशा है वो टूटा होगा और वो अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपने मतदाताओं को बचाने के लिए सोच समझ के फैसले लेंगे। थैंक यू सो मच मुकेश जी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यही है कि गठबंधन किस तरह से इस पूरी स्थिति में हावी हो पाएगा इस वक्त मौजूदा स्थिति। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के देखते हुए अपने 370 पार के दावे को अगर बरकरार रखना है तो पूरी एड़ी जुक्ति का जोड़ लगाना होगा। और अब 270 पार को पहले लक्ष्य पे रखना होगा। 370 का नारा, उनके 370 पार है, आप कह रहे हैं कि 270 पार, उनको 270 पार को पहले उनको पुरजोर संभालना होगा, क्योंकि अगर ये 270 पार नहीं हुए, 370 पार का दावा तो अलग बात है, 270 पार नहीं हुए तो मौत मुसीबत हो जाएगी। तो ये बीजेपी का बहुत कम से कम एक मजबूत विपक्ष की नींव जरूर बनी रहनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मजबूत विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर कोई हो नहीं सकता। इतना बढ़िया विपक्ष आपने जो देखा होगा पिछले 20-30 साल में, ये फेल्ड विपक्ष है, कांग्रेस, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस। और अगर आप बीजेपी का विपक्षी काल देखिए ना, तो बेस्ट अपोजिशन वी हैड इन बीजेपी। तो अगर आपको बढ़िया विपक्ष चाहिए तो आपको चुन लीजिए, बीजेपी को विपक्ष में लाइए। मैम, और वो गनीमत यह है कि देश में लोग विपक्ष चुनते नहीं है, विपक्ष तो जो बचा रह जाता है वो होता है। तो देखना ये है कि अब कौन बचा रहता है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है, शायद इसीलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्ता में आए थे तो उनको भी एक बड़े विपक्ष की जरूरत महसूस हुई थी, और उस वक्त में जिस तरह से विपक्ष की नींव रखी गई थी वो अहमियत। अगेन मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष कोई नहीं चुनता है इस देश में, उस वक्त चुना गया था ना, छूट जाता है जो सत्ता में नहीं आ पाता वो विपक्ष होता है। उस समय बड़े लोग बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में, बहुत अच्छे चेहरे बचे रह गए होंगे सत्ता से। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।